जितेंद्र गणेश जी, गजेंद्र जी को बोलना आधा घंटा सर पढ़ा रहे, पहले रिकॉर्ड कर। हम क्या स्टडी कर रहे थे बोलो? मेथड ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ओके, 2 मिनट रिवाइज करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है प्रोजेक्टिव, एक होता है नॉन प्रोजेक्टिव। एक प्रक्षेपण विधियां और एक अप्रक्षेपण विधियां। जो प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं वो अचेतन मन से संबंधित रखते हैं, और जो अप्रक्षेपण होती है वो चेतन मन से। और प्रोजेक्टिव में कितने मेथड होते हैं? 5। क्या ट्रिक बताई? RSCIT कोर्स प्यारा। क्या बताइए? RSCIT कोर्स प्यारा। तो R और S से पहला मेथड क्या था? रोसा शाही धब्बा परीक्षण। C से क्या था? CAT। T से क्या था? TAT। बोलो कोर्स से क्या था? कहानी और वाक्य पूर्ति, सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीटेशन टेस्ट, और प्यारा सा प्ले यानी खेल और नाटक विधि। ओके, और जो अप्रक्षेपण विधियां थी उसकी ट्रिक बताई, अच्छा आवाम मेरा। तो ए से क्या निकाला था अपन ने? अप्रक्षेपण। चे से क्या निकाला था? चेतन मन से संबंधित। और आवाम में कितने मेथड वैरायटी आती है? आ यानी आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड, बोलो आवाम वे यानी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड, और मैं यानी मनोविश्लेषणात्मक। क्लियर? तो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, हम प्रोजेक्टिव। बोलो कौन सा पढ़ रहे थे? बोलो प्रोजेक्टिव मेथड। क्लियर? जो प्रोजेक्टिव मेथड पढ़ रहे थे, प्रक्षेपण विधियां। क्लियर? उसमें एक मेथड में कल आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम क्या था बोलो? जिसका नाम था IBT। IBT मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट। क्लियर? 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं। उसमें क्या बताया? सबसे पहले IBT रोसा शाही धब्बा परीक्षण देने वाला कौन? हरमन रोसा। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर हरमन रोसा। वो एक साइकेट्रिक डॉक्टर था। क्लियर? तो उसने पर्सनालिटी को चेक करने के लिए एक बोलो मेथड बनाया, जिसका नाम क्या रखा? IBT। IBT का मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट। एक्चुअली उसने अपना जो मेथड बनाया उसमें टोटल कार्ड कितने रखे? 10। और उस कार्ड का क्लासिफिकेशन क्या था? 5+2+3, जिसमें 5 किसके धब्बे थे? ओनली काले। और 2 पे किसके थे? काले और लाल। और 3 पे किसके थे? रंगीन। तो याद करने का तरीका बताया, रंगीन में वर्ड कितने आ रहे? 3। तो रंगीन कार्ड कितने थे? 3। लाल और काले रंग कितने? 2। तो धब्बे भी बोलो उसके थे तो कितने कार्ड पे? 2 पे। और ज्यादातर इंडिया में लोग कैसे होते? काले। तो ज्यादा कार्ड वाले कौन से कलर वाले धब्बे? काले रंग के। क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि ये मेथड जो है बोलो हरमन रोसा ने पहले बोलो मनोरोगियों के लिए दिया था, बाद में सब पे लागू किया गया, और ये IBT पर्सनालिटी का सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है। ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? ओके, IBT के बाद नेक्स्ट क्या है बोलो? TAT, फिर CAT। क्लियर? और ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में TAT और CAT से क्वेश्चन आते हैं। आप 10 मिनट अच्छे से सुनना, मैं आपको हर चीज याद करा दूंगा और अच्छे से। क्लियर? तो अगर हम यहां पर क्यों ना कंपेरेटिवली स्टडी कर ले, क्योंकि लगते तो एक जैसे ही है, एक TAT और एक CAT। मैंने आपको कहा हमें मेन क्या पता होना चाहिए, एक तो प्रोजेक्टिव का मेथड है, दूसरा मेथड किसने दिया है, और अगर उसमें कार्ड बताए हैं तो कार्ड के नंबर कितने हैं और उन पे किसके चित्र हैं, ये मेन हमें पता होना चाहिए, और वो किसके लिए टेस्ट दिया गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं TAT की, बोलो पहला प्रतिपादक। क्लियर? कि मेथड किसने दिया है? गिवन बाय। बोलो गिवन बाय। क्लियर? तो एक्चुअली किसने दिया है? तो मैंने कहा मूरे एंड मॉर्गन। किसने दिया है बोलो? मूरे और मॉर्गन ने दिया है। क्लियर? किसने दिया? मूरे और मॉर्गन ने दिया। CAT किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक ने दिया। पहले कोई नोट नहीं करेगा, पहले ध्यान देना। गिवन बाय, मैंने कहा लियोपोल्ड, लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, किसने दिया है बोलो? लियोपोल्ड बेलक ने दिया है। क्लियर?
अच्छा नंबर टू बात करें टीएटी के अंदर कार्ड की संख्या, ठीक है, बोलो कार्ड की संख्या, ठीक है, कार्ड की संख्या, नंबर ऑफ कार्ड, तो इसमें कितनी थी बोलो 30, क्लियर, कितनी 30, और इसमें अगर आपको पूछा जाए कार्ड की संख्या, ठीक है, कार्ड की संख्या किसमें बोलो सीएटी में, तो क्या लिखेंगे अनिश्चित, क्या लिखेंगे बोलो अनिश्चित, मतलब इसमें कार्ड की संख्या फिक्स नहीं थी, क्लियर, ओके। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर भी स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कहीं कहीं पर 31 लिखा हुआ होता है, एक्चुअली कार्ड 30 थे, एक कार्ड जो था वो क्या था, खाली था, बोलो बात समझ में आए, तो मेरे कहने का मतलब है ये जो 30 कार्ड थे उनका क्लासिफिकेशन क्या था, 10 प्लस 10, क्लियर। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो कार्ड का वर्गीकरण क्या था, 10 प्लस 10 प्लस 10, जो 10 कार्ड ऐसे थे जिनमें केवल मेल के चित्र थे, किसके थे बोलो, मेल के, पुरुषों का चित्र थे, 10 कार्ड ऐसे थे जिनमें केवल फीमेल के यानी स्त्रियों के चित्र थे, और 10 ऐसे थे जिनमें मेल और फीमेल दोनों के चित्र थे, क्लियर। ये किसका क्लासिफिकेशन है बोलो, टीएटी का, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो ओनली, मैंने कहा मेल, ठीक है, बोलो यहाँ पर ओनली, बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो फीमेल, ठीक है, बोलो यहाँ पर ओनली मेल डायग्राम, मेल चित्र, ओके, और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बोलो ओनली फीमेल, और यहाँ पर मेल, ठीक है, एंड फीमेल, ओके, बोलो मेल एंड फीमेल, बोलो मैंने कहा बहुत, ठीक, दोनों के क्या थे, चित्र थे। ये किसका क्लासिफिकेशन है बोलो, इसका, क्लियर। इसमें कार्ड की संख्या तो फिक्स नहीं है, लेकिन कार्ड पे किसके चित्र थे ये पूछे जाते हैं, किसके थे बोलो, बोलो किसके थे, जानवरी, हमारे दिमाग में रहता जानवर का, क्लियर, लेकिन एक्चुअली सही करेक्ट क्या, विदेशी जानवर के, किसके बोलो, विदेशी जानवर के, बोलो देसी जानवर विदेशी जानवर में अंतर है कि नहीं है बोलो, क्लियर। तो आपको मोर करेक्ट पता होना चाहिए सीएटी पे, मैंने कहा कार्ड पर चित्र, कार्ड पर चित्र किसके बोलो, विदेशी, विदेशी जानवर, ठीक है, विदेशी जानवर के, ओके। अब यहां पर बोलो अच्छे से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक्चुअली क्या था कि यहां पर ये जो टीएटी है वो पहले मोरे ने दिया था, बोलो कब दिया था, 1935 में, क्लियर। बाद में क्या हुआ, उसमें थोड़ा संशोधन करके 1938 के अंदर मॉर्गन जुड़ गया, इसलिए आज हम टीएटी का मतलब मोरे और मॉर्गन बोलते हैं, बात समझ में आए। टीएटी मूल रूप से किसने दिया था, मूरे ने दिया था 1935 में, बाद में थोड़ा करेक्शन करके और सपोर्ट करके मॉर्गन ने 1938 में उससे जुड़ गया, तो आज हम पढ़ते हैं तो टीएटी गिवन बाय मूरे एंड मॉर्गन, मॉर्गन एंड मूरे। पहले मूरे का नाम क्यों लिखा समझ आया, बोलो किताबों में लिखा होता मॉर्गन और मूरे, उससे आपको गलत फहमी हो सकती है, एक्चुअली क्या बोलना, मूरे और मॉर्गन, बाकी जनरली हम बोलते तो क्या बोलते, मॉर्गन और मूरे, क्या बोलते, मॉर्गन और मूरे, जबकि बोलो रियल में पहले किसने दिया था, मूरे ने दिया था, कब दिया था, 1935। बोलो ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आया, बोलो अभी मैंने आपको बोलो कल भी लिखाया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, अभी मैं सीएटी 1948 में दिया, बोलो मैंने कहा 1948 बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ डेट ऐसी होती है, कुछ वो इंपॉर्टेंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ रहता है कि एक्चुअली पहले किसने दिया और बाद में किसने दिया, इसलिए ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या बताया समझ में आया कि मूल रूप से पहले किसने दिया था, मूरे ने, कब दिया था, 1935 में, बाद में उसमें करेक्शन करके बोलो कौन 1938 में जुड़ गया, मॉर्गन, इसलिए आज हम टीएटी पढ़ते हैं तो उसका गिवन बाय क्या बोलते हैं, मॉर्गन और मूरे, मूरे और मॉर्गन, क्लियर, ओके। यहां पर कार्ड किसके थे, विदेशी जानवरों के, ठीक है। फिर मैंने कहा ये टीएटी एक्चुअली किसके लिए दिया, वयस्क के लिए, एडल्ट के लिए दिया गया, ये किसके लिए दिया गया, बच्चों के लिए दिया गया, क्लियर। ये है बोलो मैंने कहा एडल्ट, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं अबाउ, ठीक है, 14 इयर्स की पर्सनालिटी चेक करने के लिए दिया गया, ये एडल्ट समझ आओगे, अबाउ 40 इयर्स बोलो के लिए, ठीक है, और ये बोलो मैंने कहा ये बोलो चिल्ड्रन, ठीक है, बोलो किसके लिए, बोलो मैंने कहा बोलो चिल्ड्रन, बोलो बच्चों, ठीक है, बच्चों मैंने कहा यहाँ 3 to 11 ईयर, ठीक है, बोलो के लिए दिया दिया गया, ठीक है,
तो आपको ये जो मैंने चार बातें दोनों की बताई, यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अपने भूल जाते हैं टीएटी किसने दिया, क्योंकि मैंने आपको कल बताया पर्सनालिटी के टेस्ट का मतलब है बहुत सारे टेस्ट। अभी हम पांच पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टिव के, फिर नॉन प्रोजेक्टिव पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव के पांच है, ऑब्जेक्टिव के पांच है और साइको एनालिटिकल के दो है। तो इसका मतलब सबके प्रतिपादक देखेंगे, सबके गिवन बाई, तो एग्जाम में क्या होता है सब भूल जाते हैं। तो आपको मैंने आईबीटी, तो मैंने कहा हरमन रोसा इंग बोलो रोसा साई दबा परीक्षण, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने कहा मूरे और मॉर्गन ने टीएटी दिया, कैसे याद रखे? तो मैंने कहा कि आपने देखा होगा अक्सर अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो टाटा बाय बाय किसको करते हैं? मम्मा को करते हैं, पापा को करते हैं, मम्मा को करते हैं। मन की बात बताना, किसको करते हैं? मम्मा को करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं? मम्मा को करते हैं। किसको करते हैं? मम्मा को करते हैं। तो आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक क्या बता रहा हूँ बोलो, टाटा बाय बाय बोलो मम्मा, मम्मा में कितनी बार आ रहा है? दो। समझ गए बोलो, मूरे और मॉर्गन, मूरे और मॉर्गन, और टाटा मतलब समझ गए टी ए टी। क्लियर? अच्छा सी ए टी किसने दिया? मैंने कहा बच्चों के लिए जानते हैं वो लोग, सी यानी चिल्ड्रन पता चल रहा है। आपने देखा होगा कि बच्चों को जू में जाना बहुत पसंद होता है, बोलो किस में जाना पसंद होता है? जू में। क्लियर? और बच्चे जब जू में जाने का होता है उनको पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें जू में ले जाएंगे, बड़ा एक्साइटमेंट होता है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट क्या देखने का होता है? लॉयन। क्या देखने का होता है? लॉयन। बोलो क्या देखने का होता है? लॉयन। तो सी ए टी किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक, लियोपोल्ड बेलक, लियोपोल्ड बेलक मतलब समझ गए बोलो लॉयन, और बेलक मतलब क्या हो गया? बालक। क्लियर? क्या बता रहा बोलो, बात समझ में आई? बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब लियोपोल्ड बेलक ध्यान रहेगा, बोलो क्लियर। सी ए टी किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक ने। क्लियर? अच्छा यहां पर 30 और 31 का लफड़ा क्या है बोलो, ये एक कार्ड क्या रहता है? खाली। इसलिए आपको हमेशा क्या टिक करना है? 30। इसको मैं एक व्यवहारिक जीवन के एग्जांपल से बता सकता हूं। आप ताश खेलते हो? और ताश खेलते हो उसमें मैं आप पूछू ताश में कितने पत्ते होते हैं? बोलो 52 बोलते हैं बोलो, जबकि वास्तव में तो 54 होते हैं, दो जोकर होते हैं, जिसका यूज नहीं उनको काउंटिंग नहीं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो तो ताश में भले ही पत्ते 54 हो, हम हमेशा 52 ही काम में लेते हैं और 52 ही बताते हैं। वैसे ही टीएटी के अंदर कार्ड की संख्या पूछी जाए तो 30 बताना है, क्योंकि एक कार्ड क्या रहता है? खाली रहता है। बोलो क्या रहता है? खाली। और इसमें होता क्या है टीएटी में? बोलो लियो मूरे और मॉर्गन के मेथड में किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का चेक करना है, उसे मिनिमम 5 मैक्सिमम 20 कार्ड दिखाते हैं। क्या बोला मैंने? मिनिमम 5 मैक्सिमम 20 कार्ड दिखाते हैं और 5 मिनट का टाइम देते हैं। क्लियर? और उसको वो कार्ड देख करके क्या करना होता है बोलो, जो उसके माइंड में आ रहा है वो उस खाली पेज पे लिखना होता है। इसलिए इसको कहानी चित्र परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कहानी चित्र परीक्षण। क्लियर? इसमें सारे के सारे 30 कार्ड दिखाते हैं क्या? नहीं। बोलो मिनिमम कितने कार्ड दिखाते हैं? 5। मैक्सिमम कितने कार्ड दिखाते हैं? 20। और टाइम पीरियड कितना देते हैं? 5 मिनट का। क्लियर? और फिर उसको क्या कहा जाता है? जो तुमने देखा इन कार्डों में, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो उस खाली पेज पे लिखना है। क्लियर? इसलिए चित्र कहानी परीक्षण भी इसको कहते हैं। क्लियर? तो क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर ये तो सारा समझ में आया बोलो? क्लियर? मैं नोट करके क्या बता रहा हूं यहाँ पर, नोट नंबर 1 मैंने कहा टीएटी में बोलो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बोलो, मिनिमम 5 कार्ड, ठीक है, एंड मैक्सिमम 20 कार्ड, ठीक है, ही बोलो ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक बात बोलो, मिनिमम कितने दिखाते हैं? 5, और मैक्सिमम कितने दिखाते हैं? 20, और टाइम पीरियड कितना देते हैं? बोलो टाइम पीरियड कितना देते हैं? 5 मिनट का ही टाइम पीरियड देते हैं। कितना टाइम देते हैं बोलो? 5 मिनट का। और फिर उसको क्या करना होता है? जो कार्ड को देखा, मेल के फीमेल के मिक्सचर के, उसके माइंड में जो भी चल रहा है वो बोलो उस खाली पेज पे लिखेगा। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर टी ए टी को बोलो कहानी चित्र परीक्षण। क्लियर? बोलो कहानी, बोलो आपसे चित्र परीक्षण, ठीक है, परीक्षण भी बोलो कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो सी ए टी है बोलो, यहाँ पर समझना,
ये क्या हमारे इंडिया के बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं था, क्लियर? क्यों था? इस पे चित्र किसके थे बोलो? विदेशी जानवरों के थे, क्लियर? तो क्या होता है कि आज भी अगर आपको कोई विदेशी जानवर दिखाया जाए तो आप मैक्सिमम उनका नाम नहीं बता पाओगे, बोलो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हम तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा ऊंट यही देखते आए हैं, बोलो हमें क्या पता कि बोलो विदेशी जानवर कैसे होते हैं। तो इसके लिए फिर काम किया एक पर्सन था साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था उमा चौधरी। क्या था? उमा चौधरी। उमा भारती नहीं, कौन बोलो? उमा चौधरी। उसने क्या किया? इस डीएटी और इस सीएटी का भारतीयकरण किया। क्या किया बोलो? भारतीयकरण किया। भारतीयकरण समझ में आया कि इसको इंडियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्लियर? तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ पर स्पेशल नोट में लिख रहा हूं, टीएटी एंड सीएटी का बोलो भारतीयकरण, भारतीयकरण करने वाला कौन? तो उमा जल्दबाजी में उमा भारती, उमा चौधरी, क्लियर? कौन है? उमा चौधरी। ये साइकोलॉजिस्ट है जिसने टीएटी और सीएटी का क्या किया बोलो? भारतीयकरण किया, क्लियर? और जब इसने भारतीयकरण किया तो बोलो कार्ड पर चित्र, क्लियर, किसके बनाए बोलो? देसी जानवर के, ठीक है बोलो। इसलिए मैंने आपको बोला कि खाली जानवर रखना आपके गलत हो सकता है। अगर रियल में सीएटी में चित्र पूछा जाए, ऑप्शन में एक देसी जानवर एक विदेशी जानवर आ गया, तो आंसर क्या होगा बोलो? विदेशी जानवर। क्योंकि जो ओरिजिनल टीम है लियोपोड बेलक का जो सीएटी है उसमें चित्र किसके थे? विदेशी जानवर के थे, क्लियर। और जो हमारी उमा चौधरी है, क्लियर, जिसने हमारी क्यों बोल रहा हूं समझ में, और इंडियन है, हर इंडियन हमारा ही है बोलो, क्लियर। तो हमारी जो उमा चौधरी है उसने किसके चित्र बनाए बोलो? देसी जानवर के, क्लियर। और इसने क्या किया, चूंकि इसने टीएटी और सीएटी का भारतीकरण किया, तो इसने क्या किया कि टीएटी में कार्ड की संख्या कितनी करी? 14 कार्ड, क्लियर। और सीएटी के अंदर बोलो कार्ड की संख्या कितनी करी? 10। तो ये जो कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट को इसी वजह से है। अगर रियलिटी में सीएटी में पूछे तो कार्ड की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन उमा चौधरी के सीएटी के अंदर कार्ड की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 10 है। क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? अगर उमा चौधरी का नाम लिखा हुआ है तो टीएटी में कार्ड कितने हैं बोलो? 14। और सीएटी में कार्ड कितने हैं? 10। ध्यान रहेगा बोलो। और इसके अंदर कार्ड पे चित्र किसके? देसी जानवर के। और टीएटी और सीएटी का भारतीकरण किसने किया? उमा चौधरी ने। बात समझ में आई बोलो? क्लियर, ओके। तो अब आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इनके बारे में सारी बातें बता दी है, क्लियर। ये 1935-38 इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आया? हर एक में लिखता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी डेट होती है जो जान के एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि उनके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा होता है, ओके। ये कंपैरेटिवली क्यों बताया मैंने समझ में आया बोलो आपको? ध्यान रहेगा आपको। वो गिवन बाय मुरे एंड मॉर्गन, ये गिवन बाय लियोपोल्ड बेलक, ठीक है, अनिश्चित मतलब नॉट फिक्स, ठीक है। चित्र इंडियन एनिमल के फॉरेन एनिमल के, विदेशी जानवर समझ गए बोलो?
टीएटी का देने वाला कौन? चार ऑप्शन हो तो कैसे पता लगाओगे? समझ में आया? बोलो। कोई सोचे, मैं तो टाटा किसी और को करता हूँ, वो काम नहीं आएगा यहाँ पर। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। सीएटी में चित्र किसके? विदेशी जानवर, फॉरेन एनिमल करके, और जो भारतीयकरण हुआ उस पे देसी जानवर के। ठीक है, ओके। तो टीएटी और सीएटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईबीटी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टिव में 5 में से 3 मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और 30-31 का लफड़ा बता ही दिया मैंने आपको, मतलब 30 होगा, एक कार्ड क्या रहता है? खाली रहता है। ठीक है, ओके। और जो स्पेशल नोट बताया वो भी समझ में आया? बोलो आपको, ये नोट कर लोगे? ये नोट हो गया था कि रह गया था? बाकी है, हो गया सबका? हो गया बाकी? आ गया जो खाली है। ठीक है, इंडियन मॉडिफिकेशन ऑफ टीएटी एंड सीएटी बाय उमा चौधरी, क्लियर? इन दिस मॉडिफिकेशन, बोलो ऑप्शन डायग्राम ऑफ, बोलो डायग्राम ऑन कांड किसके थे? बोलो इंडियन एनिमल्स के, क्लियर? देसी जानवर का मतलब समझ गए? बोलो इंडियन एनिमल्स। और नंबर ऑफ कार्ड इन टीएटी 14, नंबर ऑफ कार्ड इन सीएटी 10।
ओके पहले बताओ याद हो जाएगा आपको मेन किसने दिया है, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये जो आईबीटी टीएटी सीएटी ये प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब दो और है वो बता रहा हूं, हटा दो ये, बोलो हो गया नोट, मैंने कहा ठीक है। नंबर फोर्थ क्या बताया बोलो, कहानी कहानी तथा वाक्य वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बताया था बोलो, मैंने कहा स्टोरी, बोलो मैंने कहा सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। एसएससीटी लिखा मतलब समझ जाओगे, एसएससीटी का मतलब क्या हुआ बताओ, स्टोरी एंड सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। ओके, और एक क्या था बोलो, फिफ्थ अपना खेल तथा नाटक विधि। खेल तथा नाटक विधि का मतलब क्या था, प्ले एंड ड्रामा मेथड। क्लियर? प्ले एंड ड्रामा मेथड। क्लियर? वेरी सिंपल। बोलो इनमें तो आपको किसने दिया है और क्या बताया है वो ध्यान रखना है। इधर ध्यान दो, सबसे पहले मैंने कहा प्रतिपादक, ठीक है, बोलो गिवन बाय। बोलो ये किसने दिया, पाइन एंड टेंडलर ने दिया। किसने दिया बोलो, पाइन एंड टेंडलर ने दिया। क्लियर? और ये किसने दिया है बोलो, मोरेनो ने दिया। किसने दिया है, मोरेनो ने दिया है। क्लियर? बोलो ये मोरेनो ने दिया, ये पाइन एंड टेंडलर ने दिया। क्लियर? और इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो ये पढ़े लिखो की पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पढ़े लिखो की पर्सनैलिटी का टेस्ट मतलब क्या, इसमें जिसकी भी पर्सनैलिटी टेस्ट करना होता है उसको बुलाया जाता है और उसे आधे अधूरे सेंटेंस दिए जाते हैं। सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं कि अंदर की बात बाहर निकलेगी। जैसे मैंने कहा बोलो, इसमें अपूर्ण, मैंने कहा इनकम्प्लीट, बोलो मैंने कहा वाक्य बोलो दिए जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। जैसे कैसा सेंटेंस होगा, मैं बहुत खुश होता हूं जब डैश। समझ में आया बोलो, कैसे सेंटेंस हो गया, समझ में आया बोलो, मैं बहुत दुखी होता हूं जब डैश। अरे बोलो आप समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, बता ही नहीं रहा है अंदर क्या है। तो जानने का तरीका समझ में आया बोलो, उसको एक दिया पेपर और उसपे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट कौन करेगा, जिसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट ले रहे हैं। तो फिर वो अपने यहाँ पर अपनी कहानी लिखेगा, तो इसका नाम क्या है बोलो, कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण। टेस्ट का नाम समझ में आया बोलो, टेस्ट का नाम क्या है, स्टोरी एंड सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। क्लियर? ओके, ये तो मैंने एक सैंपल दिया, कुछ भी हो जाता है बोलो, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, मैं दुखी हो जाता हूं जब देखता हूं डैश। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, मन की बात बाहर निकालनी है तो ऐसे सेंटेंस हो गए। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। ओके, मैंने दो सैंपल लिखे, आप समझ गए होंगे। अच्छा, खेलो नाटक विधि, मोरेनो ने क्या मेथड दिया, मोरेनो ने कहा कि जिसकी भी अंदर की बात बाहर निकालनी है उन्हें हम वेल प्लानिंग किए हुए गेम या ड्रामा में प्ले करने के लिए कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, वेल प्लानिंग किया हुआ कोई भी ड्रामा है, ड्रामा समझते बोलो, कोई भी खेल है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। और जब वो उस करेक्टर को प्ले करता है तो वो उस करेक्टर को खुद का ही समझ लेता है और अपनी सारी बात बाहर निकाल देता है। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, खेल और नाटक विधि। बात समझ में आए बोलो। तो मेरे कहने का मतलब ये सारे मेथड प्रोजेक्टिव है कि नॉन प्रोजेक्टिव है बोलो, प्रोजेक्टिव है। क्लियर, प्रोजेक्टिव मेथड है। क्लियर, जिसमें अंदर की बात बाहर निकलवाई जाएगी। क्लियर, तो खेल और नाटक विधि समझ में आया बोलो नाम से। तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है, मोरेनो ने कौन सा पर्सनैलिटी का टेस्ट दिया है, खेल और नाटक विधि किसने दी है। क्लियर, बाकी इसमें क्या होगा, मैंने बोला वेल प्लानिंग वेल डिजाइन कोई भी प्ले या कोई भी ड्रामा जिसमें जिसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट करना उसको वो
करेक्टर प्ले करने के लिए दिया जाता है। जो वो रंगमंच पे प्ले करेगा तो उस करेक्टर को खुद ही समझ लेगा और अपनी बात बाहर निकाल देगा। क्लियर? तो ये इस मेथड का लॉजिक है, बात समझ में। तो पांचों मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है आईबीटी, सीएटी और टीएटी। इनमें तो आपको केवल किसने दिए वही, अब कैसे याद रखेंगे वो समझो। मैंने कहा कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया, पाइन और टैंडलर ने। या आपसे पूछा जाए पाइन और टैंडलर ने कौन सा मेथड दिया, तो चार ऑप्शन में मेथड के नाम होंगे, बोलो मेथड के नाम होंगे। पांच पढ़े, पांच के नाम एक नहीं है, बोलो कल हम 12 पढ़ेंगे, 12 के नाम होंगे। तो इसका मतलब हुआ वहां पर चार ऑप्शन होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा आज अगर हम वंस अपॉन ए टाइम का बोलो या प्रेजेंट टाइम का सोचे, तो आज के टाइम में कोई भी पर्सन किसी की शादी में जाता है, किसी की शादी में जाता है, रिसेप्शन में जाता है, बोलो तो वो रास्ते वापस आते या घर पे आके कैसी कहानी कैसी बातें करता है, और यार वहां पर टेंट बहुत अच्छा था, वहां पर डेकोरेशन, दूल्हा दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं करता है। बात समझ में आए? तो मैंने क्या कहा समझ में आए, कहानियां किसकी बनती है, बोलो टेंट की, और टेंट किससे लगते हैं, पाइन से। और टेंट किससे लगते हैं, पाइन, समझते हो बोलो। तो जब भी कहानी और वाक्य की बात आएगी तो किसको याद करोगे, शादी, शादी में टेंट, टेंट को लगाने वाले पाइन, समझ आओ, पाइन और टेंडलर। अच्छा, खेल और नाटक विधि का कौन है, मोरेनो। मेरे कहने का मतलब वर्ड आ रहा खेल। अब आप सोचो कि सपोज आपका कोई भी फेवरेट गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी आप देख रहे हो, क्लियर, और आपका फेवरेट खिलाड़ी शॉट ही नहीं मार रहा है, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे क्या बोलते हैं, मारना, बोलो क्या बोलते हो, मारना, और क्या बोलते हो, मारना। इसका मतलब जब भी खेल की बात आएगी तो आपको कौन याद आना चाहिए, मोरेनो। क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो। अगर बैकअप नहीं होगा तो वहां पर भूल जाते हैं, क्लियर। तो पांच मेथड मैंने बताया, आईबीटी का तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईबीटी के नाम में ही है, रोसा साई धब्बा परीक्षण, तो नाम ही कौन है, हरमन रोसा। टीएटी का कौन है, मुरे और मॉर्गन, मॉर्गन मुरे कुछ भी हो कर सकते हैं, क्लियर। हम मुरे मॉर्गन क्यों बोलते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट ध्यान रहे, क्लियर। फिर सीएटी का कौन है, लियोपोल्ड बेलक। अच्छा, आपको टिक करना, कहीं लिखना तो है ही नहीं बोलो, तो चार ऑप्शन में देखते याद किसको आएगा, जिसके माइंड में कोई बैकअप या लॉजिक होगा, जिसने गोटम गोट कर रखा है, चार दिन बाद पूछते कंफ्यूज हो जाता है, वो वहां पर कंफ्यूज ही होगा, क्लियर। और कहानी और नाटक, कहानी और वाक्य पूर्ति क्या बताया, पाइन और टेंडलर। पाइन और टेंडलर कौन सा मेथड है, कहानी और वाक्य पूर्ति। और मोरेनो का कौन सा है, खेल और नाटक विधि। और खेल और नाटक विधि किसकी है, मोरेनो। इनके अंदर क्या होता है वो नाम में पता चल रहा है, अरे बोलो, स्टोरी एंड सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट और प्ले और ड्रामा मेथड। पांचों मेथड मैंने प्रोजेक्टिव के पढ़ा दिए हैं, क्लियर, याद हो जाएंगे बोलो। ओके, नोट कर लोगे।